अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारे पास आज जो वर्ड है वो है चू, ZHU, चू। ठीक है, इसका मतलब है टू लिव, रहना, मतलब रहना। चू मतलब रहना, टू लिव, चू। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है जाए, जाए मतलब एट या इन, में या पर। ठीक है, एट इन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं चाइनीज, जाए, जाए। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड है हमारे पास नार, NAR, नार, नार मतलब क्या है, वेयर, कहां। ठीक है, किधर, नार, 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 यानी हम ये क्वेश्चन करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, नी चू जाए नार, तुम रहते हो, नी मतलब तुम, चू टू लिव, तुम रहते हो, जाए एट नार, कहां, तुम कहां रहते हो। इसका मतलब क्या हो गया, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। अगर हमने पूछना हो तो कैसे बोलेंगे, नी चू जाए नार, नी चू जाए नार, नी मतलब तुम, चू मतलब रहते हो, जाए मतलब पर, एट इन, और नार मतलब कहां। नी चू जाए नार, नी चू तुम रहते हो, जाए नार कहां। ठीक है, तो नी चू जाए नार, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो इसी का जवाब इस क्वेश्चन के अंदर ही होगा, यानी नी की जगह वा लगा देंगे, वा चू, मैं रहता हूं जाए लाहौर, लाहौर में, आई लिव इन लाहौर। ठीक है, कितना आसान है, नी चू तुम रहते हो, जाए नार कहां, वा चू मैं रहता हूं जाए लाहौर, लाहौर में। इसी तरह हम किसी रिलेशन के लिए पूछ सकते हैं, था द पापा, था द पापा, उसके अब्बू चू रहते हैं जाए नार कहां, था द पापा चू जाए नार, तो आंसर क्या होगा, था द पापा चू जाए इस्लामाबाद, यानी नार की जगह इस्लामाबाद लोकेशन लग जाएगी जिस जगह पर वो रहते हैं, उसके अब्बू रहते हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है चाइनीज DIFANG, डी को हमें पता है हम ते से प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ती फंग, ती फंग यानी प्लेस, जगह, ती फंग प्लेस, जगह। ठीक है, मतलब क्या हो गया, प्लेस या जगह, ती फंग, कैसे बोलेंगे, ती फंग। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ती फंग हम किस लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि आप कहां रहते हैं, वो कहता है जी मैं लाहौर में रहता हूं, फिर क्वेश्चन आगे आता है कि लाहौर में किस जगह, अगर हमने ये पूछना हो कि लाहौर में किस जगह, तो ये कैसे पूछेंगे, तो चले देखते हैं। अब ये देखें, जाए लाहौर, लाहौर में शम्मा, शम्मा हमने देखा था वट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, शम्मा का मतलब क्या था, वट, शम्मा तीफंग, किस जगह, लाहौर में किस जगह, यानी जाए लाहौर, जाए एट इन लाहौर, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन में, शम्मा तीफंग, किस जगह, तीफंग प्लेस या जगह। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, अब ये पूछता है से, नी चू जाए नार, तुम कहां रहते हो, ये कहता है वा चू जाए लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं। ठीक है, अब ये मजीद इससे पूछता है, जाए लाहौर, लाहौर में शम्मा तीफंग, किस जगह, फिर ये आंसर देगा, जाए लाहौर, लाहौर में शाहदरा, शाहदरा यानी कि लाहौर में शाहदरा। ठीक है, जिस जगह पर ये रहता है। ओके, इसी तरह दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि हम क्वेश्चन करते थे तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, लेकिन बाजू का हम ऐसे पूछते हैं कि तुम कहां हो, अभी तुम कहां हो, तो वो कैसे पूछेंगे, वो इस तरह से कि नी जाए नार, यानी चू को बस हम खत्म कर देंगे, नी जाए तुम हो, नार कहां, वेयर आर यू, नी जाए नार तुम कहां हो। ठीक है, अभी देखें, नी जाए नार तुम कहां हो, इसने रिप्लाई किया, वा जाए मैं हूं च्या घर। ठीक है, तो इसने कैसे रिप्लाई किया, वा जाए च्या,
जिया मतलब घर, मैं घर पे हूँ, ठीक है। इसलिए इसने पूछा कि निदच्या तुम्हारा घर जायनार कहाँ है, निदच्या जायनार तुम्हारा घर कहाँ है। उसने जवाब दिया वादच्या जाय लाहौर, मेरा घर लाहौर में है, ठीक है। जाय मतलब एट और इनके लिए हम इसे यूज करते हैं। इसी तरह इसने पूछा निद मामा जायनार, तुम्हारी मामा कहाँ है। तो इसने कहा, इसने रिप्लाई दिया वाद मामा जाए था दा फंगियो दचिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी मामा जाए है था दा उसके फंगियो दचिया दोस्त के घर, यानी मेरी मामा अपने दोस्त के घर है, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बी आई यानी पी। चाइनीज में बी को हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, पे के तौर पर। पी मतलब पेन यानी कलम, ठीक है। पेन को क्या कहते हैं चाइनीज में, पी, पी जिस तरह इंग्लिश में हम पी बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास वर्ड है शू, शू मतलब बुक। जिस तरह हम जूते के लिए शू बोलते हैं, इसी तरह आपने इसको बोलना है शू, एस एच यू, शू, शू, शू मतलब बुक। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन इससे पूछता है ये पर्सन, नी द शू तुम्हारी किताब जायनार कहाँ है, ठीक है। शू मतलब किताब। वो कहता है वादा शू मेरी किताब जाय वादा चिया मेरे घर है, मेरी किताब मेरे घर है, ठीक है। वादा पी पू जाय चिया, मेरा पेन पू नहीं है जाय चिया घर में, ठीक है। वादा पी, ये देखिए वादा पी यानी एक पूरा सब्जेक्ट है, इसके बाद पू लगेगा, पू यानी नॉट नो। वादा पी ये पू जायचिया, मेरा पेन भी घर नहीं है, यानी ये मैंने आपको यू का ये का इस्तेमाल भी दिखा दिया। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।